नहीं उनको फिर बताना चाहिए ना कि कौन आया था और कितनी गड्डियां थी, कौन से अटैची का कलर कौन सा था, 500 के नोट थे या 2000 के नोट थे या 100 के नोट थे, कितना वजन था, कौन सी गाड़ी में आए थे और कितने पैसे लाए थे, उनको बताना चाहिए ना फिर, अगर वो सच्चे हैं तो उनको बताना चाहिए। हाँ तो डिनर खाते उन्होंने क्या खाया, मुर्गा खाया या मछली खाई, क्या खाया उनको बताना चाहिए। उसके घर में कैमरे भी लगे होंगे तो कैमरे में फोटो भेजनी चाहिए उनको। मैं इन चीजों में विश्वास नहीं रखता, सारा चंडीगढ़ जानता है, मैं खरीद फरोख्त में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता। ठीक है, कोई वैसे लोग जाते रहे हो इधर उधर के जिनका कोई बेस नहीं है, उसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता। वो बिना मतलब के चंडीगढ़ में अफवाहें फैलाई जा रहे हैं कि हमारे ये बंदे बिक गए, ये खरीद लिए, ना मैं खरीदने में विश्वास रखता हूँ ना मैं बेचने में विश्वास रखता हूँ। और आपने मेरी इंटरव्यू भी देखी होगी अभी 2-3 चैनलों के साथ, मैंने यही कहा कि चंडीगढ़ में मैं तो ओपनली बोल रहा हूँ कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करे और आम आदमी पार्टी के मेयर बनाने में हेल्प करे। हम हमारे सिर्फ जो काउंसलर हैं उनको कुछ ट्रेनिंग के लिए हम क्योंकि हम सारा प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं, पहले भी आपने इलेक्शन में देखा होगा सारा काम हम प्रोफेशनल तरीके से करते हैं, तो हम अपने काउंसलर को अच्छे लीडर बनाना चाहते हैं ताकि वो चंडीगढ़ का पूरा अच्छे से ध्यान रख सकें, तो इसलिए थोड़ा जो ट्रेनिंग का है वो करवा रहे हैं, एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग। हम तो यही कहेंगे मेयर आम आदमी पार्टी का होगा। देखो अगर वो खरीद फरोख्त करके लोगों को तोड़ते हैं उस पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता, अगर ईमानदार राजनीति में चल रहे तो आम आदमी पार्टी का मेयर ही होगा। 14 के 14 जो काउंसलर हमारे साथ, मैं ये नहीं कहता कि उन, मैं ये कहता हूँ कांग्रेस को आम आदमी पार्टी को समर्थन देना चाहिए। आज की जो हालात हैं और जो समय की मांग है वो ये है कि आम आदमी पार्टी को क्योंकि मैंडेट मिला है चंडीगढ़ की जनता से, तो आम आदमी पार्टी को मेयर बनाने में सारी पार्टी को हेल्प करनी चाहिए। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।